हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सी लैंग्वेज की क्लास में। जैसा कि पिछली क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना देखा, जो कि एक इजी प्रोग्राम था, लेकिन उसमें कुछ बारीकियां हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप उस प्रोग्राम को चलाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो हो सकता है कुछ इनपुट्स में उसमें दिक्कत आ जाए, खास तौर से वे इनपुट जहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल रेट और जो आपका टाइम है वो इंटीजर में दिया है और फिर उसको 100 से डिवाइड किया है। तो हो सकता है कि कहीं पे कोई कैलकुलेशन ऐसी आए जिसका रिजल्ट पॉइंट्स में हो, यानी कि रियल वैल्यू हो, तो वो प्रॉपरली आपके जो वेरिएबल था SI जिसमें हम स्टोर करवा रहे थे, नाम भले कुछ भी हो लेकिन उसमें आपका दिक्कत आ सकती है। उसकी वजह ये है कि आपको सी की अर्थमेटिक्स जो हैं उनको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो अगर आपको अर्थमेटिक का पता नहीं है तो जाने अनजाने में आप कई गलतियां कर सकते हैं और वो ब्लंडर मिस्टेक्स बन सकती हैं। तो आपके लिए जो सी है उसकी अर्थमेटिक को समझना जरूरी है। ये सी की अर्थमेटिक है क्या? तो अर्थमेटिक पे जाने से पहले जो एग्जाम्पल है उसी को मैं लेता हूँ कि हमने क्या किया था। इस तरीके से SI कैलकुलेट किया, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब मान लीजिए ये कोई वैल्यू PRT की ऐसी है जिसके मान लीजिए रिजल्ट आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 18536 अपॉन 100। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने PRT की ऐसी वैल्यूज दी जिससे इनका प्रोडक्ट जो है वो आपका ये आ गया। अब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे 185.36। मैथमेटिकली ये करेक्ट है, बट सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होने वाला। इसका रीज़न ये है कि आपका जो ऊपर 18536 है वो एक इंटीजर वैल्यू है, नीचे 100 है वो भी एक इंटीजर वैल्यू है। तो सी के अंदर ये एक तरीके से आप रूल कह दीजिए कि वो जब दो इंटीजर्स पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, किसी भी तरह की प्रोसेसिंग करता है, तो उसका रिजल्ट भी हमेशा इंटीजर में ही आता है, यानी कि आपका ये रियल वाला हिस्सा या सॉरी पॉइंट वाला हिस्सा नहीं जनरेट होगा। अब आप कहेंगे कि नहीं, SI तो हमने फ्लोट बना दिया मान लीजिए, लेकिन SI आपने फ्लोट बनाया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होगा, बस इतना भर कि SI में ये वैल्यू जो होगी वो 185.000 इस तरीके से आपके चली जाएगी, बट अल्टीमेटली 185 ही जो है वो रिजल्ट जो है वो इस कैलकुलेशन के बाद आएगा। और उसका जो मेन रीजन है या जो उसके पीछे की वजह है वो है सी की अर्थमेटिक। तो कोई भी प्रोग्राम आप बनाएं तो उससे पहले उसकी अर्थमेटिक को जरूर दिमाग में रखें, उसी के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स डिक्लेयर करें, डिफाइन करें, और कॉन्स्टेंट्स का भी जो है वो उचित तरीके से आप यूज़ करें। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान लीजिए आपने ये हमने एल्गोरिथम देखा था कि कोई स्टूडेंट है, उसके मार्क्स का परसेंटेज हमने निकाला था। तो इस तरीके से किया था कि पहले हमने M1, M2 और M3 तीन सब्जेक्ट के मार्क्स लिए, फिर हमने क्या किया उसका टोटल किया, M1 प्लस M2 प्लस M3, फिर हमने परसेंटेज निकाला। अब परसेंटेज मान लीजिए मैक्सिमम मार्क्स पर सब्जेक्ट के 100 ही हैं, तो हमने इस तरीके से निकाला कि टोटल डिवाइड बाय 3, या यूँ कह दीजिए टोटल डिवाइड बाय 300 इंटू 100। और ये हमने जो डिक्लेयर किए थे ये तो इंटीजर में डिक्लेयर किए थे, और ये जो परसेंटेज था ये हमने फ्लोट में या रियल वैल्यूज में हम डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि परसेंटेज जो है वो पॉइंट्स में आता है। लेकिन अगर आपने मार्क्स इंटीजर में डिक्लेयर किए हैं तो आप ये देखिए, मार्क्स जब इंटीजर में डिक्लेयर किए हैं तो टोटलिंग जो होगी वो इंटीजर में आएगी, M1 प्लस M2 प्लस M3, और मान लीजिए टोटल भी आपने इंटीजर में किया है। अब जब आप देखेंगे टोटल डिवाइड बाय 3, क्योंकि टोटल एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आपका जो है वो इंटीजर वैल्यू ही जनरेट होगी,
वो बात और है कि हम परसेंटेज ऑफ फ्लोट है उसमें डाल रहे हैं, तो वो बाद का काम है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है सबसे लास्ट में वर्क करता है, पहले राइट साइड का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो सोल्व होता है, उसके बाद उसकी वैल्यू जो है वो आपकी टोटल में, सॉरी परसेंटेज में जाएगी। तो ये होगा कि जो भी परसेंटेज इंटीजर में आएगी, जैसे मान लीजिए आपने ये नंबर दिए 50, 60 और मान लीजिए फिर मान लीजिए 50 दिया आपने, तो ये क्या होगा, टोटल जो बन जाएगी वो बन जाएगी आपके 160, और परसेंटेज जो आएगी वो आपका आएगा टोटल डिवाइड बाय 3। तो टोटल डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पे पहले ये वर्क करेगा राइट साइड। ये हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं प्रोसेसिंग के तौर पे, तो उसमें इक्वल टू के बाद जो असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं जिसको, उसके बाद वाला एक्सप्रेशन पूरा सोल्व होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो असाइन किया जाता है लेफ्ट साइड की लोकेशन या वेरिएबल में। तो यहाँ पे जो है परसेंटेज में आपका 160 बाय 3, और ये आपका देख लीजिए 3 5 जा 15, 110 3 3 जा 9, 53, ओनली 53 आएगा। 53.333 आना चाहिए मैथमेटिकली, लेकिन वो नहीं आएगा, ओनली 53 आएगा। और जब ये परसेंटेज में आप ले जाएंगे तो ये 53.00000 इस तरीके से, चूंकि फ्लोट है, फ्लोट में पॉइंट के बाद 6 डिजिट होती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। और अगर आपने दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया, फॉर एग्जांपल से ये वाला, तब तो बड़ी मुश्किल में आप फंस जाएंगे। कैसे, पहले टोटल डिवाइड बाय 300 करेंगे, तो टोटल जो है वो आपका है यहाँ पे 160 डिवाइड बाय 3, सी में डिवाइड इस तरीके से होगा, मैंने आपको बताया था। तो ये आपका इंटू 300, सॉरी इंटू 100। अब पहले क्या होगा, पहले डिवाइड होगा। अब 160 डिवाइड बाय 300 जो है ये डिवाइड होगा, तो ये मैथमेटिकली तो 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, लेकिन मैंने कहा चूँकि ये 160 जो आया है टोटल है वो इंटीजर है, 300 जो है वो इंटीजर है। अब ये सिर्फ इंटीजर पार्ट जनरेट करेगा, इंटीजर पार्ट जनरेट करेगा तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और 0 × 100 तो ये आपका 0। तो आप देखेंगे कि आपका इस दूसरे वाले केस में अगर आपके स्टूडेंट के मार्क्स 300 में से 300 नहीं आते हैं, कम आते हैं, चाहे 299 ही आए, तो 299 डिवाइड बाई 300 इंटीजर में क्या देगा, 0, और परसेंटेज क्या आएगा, 0। और जिसके 300 आउट ऑफ 300 हैं उसके 100%, तो आपका दूसरे वाले फॉर्मूले की सूरत में रिजल्ट या तो 0% होगा या 100% होगा। तो इसके लिए जो है क्या कर सकते हैं हम, क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो वो है आपका अर्थमेटिक जो है सी की वो। तो चलिए हम पहले अर्थमेटिक देख लेते हैं, और उसी में मैं आपको बताऊंगा कि, और उसी से आपको समझ में ही आ जाएगा कि क्या सावधानी रखनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, और क्या गलतियां होती हैं अक्सर जिसकी वजह से आपका जो प्रोग्राम है वो लॉजिकली तो सही है लेकिन उसका जो आउटपुट है वो सही नहीं आता। तो आपका बात करें अर्थमेटिक इन सी, तो अर्थमेटिक इन सी जो है वो 3 तरह की होती है, एक होती है इंटीजर, एक होती है रियल और एक होती है मिक्स मोड। तो एक है आपका इंटीजर अर्थमेटिक, एक है आपका रियल अर्थमेटिक और एक है आपका मिक्स अर्थमेटिक। तो जो पहले इंटीजर है, तो जो इंटीजर अर्थमेटिक है वो कहती है कि अगर दो आपके ओपरेंड जो है वो इंटीजर टाइप के हों और उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही आएगा, मतलब इन एंड इंट गिव इंट। इस बात को यूँ समझ लीजिए कि जो कोई भी ऑपरेशन है उसमें अगर एक इंटीजर है और दूसरा भी इंटीजर है, बोथ इंटीजर, तो दोनों इंटीजर होने पे आपका जो रिजल्ट आएगा
वो इंटीजर ही आएगा। डजेंट मैटर आप उसको बाद में किस में असाइन करते हो नहीं करते हो, वो एक अलग बात है, लेकिन जो कहीं पे भी एक ऑपरेटर इवेल्यूएट करता है वैल्यू को, ऑपरेट करता है वैल्यूज को, और दोनों ऑपरेंड उसके इंटीजर हैं जिस भी रीजन से हो, तो वो हमेशा इंटीजर वैल्यू ही जनरेट करेगा। तो ये आपको जो है वो ध्यान रखना है। दूसरा जो रियल अर्थमेटिक है वो कहती है कि रियल, अब रियल का मतलब फ्लोट से हो सकता है, डबल से हो सकता है, लॉन्ग डबल से हो सकता है, ये तीन ही टाइप है रियल के लिए सी में। तो रियल एंड रियल गिव्स रियल, यानी कि अगर दो ऑपरेंड जो है वो आपके दोनों रियल हो, यानी कि या तो एक इंटीजर सॉरी एक डबल हो दूसरा लॉन्ग डबल हो, या एक आपका जो है वो आपका फ्लोट हो दूसरा जो है वो डबल हो, या दोनों फ्लोट हो, कैसे भी समझ लीजिए, बट रियल टाइप में से अगर दोनों रियल हैं तो रिजल्ट जो आएगा वो रियल ही आएगा। और इसमें भी कौन सा आएगा तो उसमें एक बार ध्यान रखिएगा, जो दो अगर रियल हैं, अगर सेम टाइप के हैं तो उसी टाइप का हो जाएगा, लेकिन अगर दो में से अगर कोई दोनों अलग अलग टाइप के, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फ्लोट है एक डबल है, तो आंसर हमेशा बड़ी वाली टाइप में आता है। ऐसा इंटीजर में भी लागू होगा कि अगर दो इंटीजर है, मान लीजिए एक आपका शॉर्ट इंटीजर है एक इंटीजर है, तो रिजल्ट क्या आएगा, जो बड़ी वाली टाइप है इंटीजर में आएगा। अगर एक इंटीजर है एक लॉन्ग इंटीजर है, तो आपका रिजल्ट जो है वो लॉन्ग इंटीजर में आएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और लास्ट जो है वो है मिक्स मोड। मिक्स मोड कहता है कि अगर एक इंटीग्रल डाटा है और दूसरा रियल है, तो इंटीजर एंड रियल गिव रियल, यानी कि इंटीजर एक है, जैसे चाहे वो इंटीजर हो शॉर्ट इंटीजर हो लॉन्ग इंटीजर हो, दूसरी सूरत में वेरिएबल आपका फ्लोट हो या डाटा आपका फ्लोट हो डबल हो लॉन्ग डबल हो, तो रिजल्ट जो आएगा वो रियल वाली टाइप में आएगा। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे ठीक है इसमें तो कोई ज़्यादा मुश्किल लग नहीं रही है कि इंटीजर इंटीजर इंटीजर, ये दिमाग में रखना है, रियल रियल रियल, और एक ही चीज़ ध्यान रखने वाली कि आपका मिक्स जब हो जाता है तो आपका वो रियल वाली टाइप को जो है वो कहीं ना कहीं आउटपुट में या रिजल्ट के तौर पे जनरेट करेगा। अब देखिए इसका फर्क कहाँ पड़ता है कि हमने जो आपका प्रोग्राम बनाया सिंपल इंटरेस्ट वाला, उसमें हमने क्या लिखा, उस फॉर्मूले को देखिए, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या करें कि ये आपकी जो एरर है वो ना आए। तो यहाँ पे हमने किया एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पे ये जो 100 है वो आपका इंटीजर है, पी आर टी हमने ऊपर इंटीजर डिक्लेयर किया ऐसे इंट पी आर और टी, और इसको जरूर फ्लोट किया हमने, बट इसका रोल तो बाद में आएगा जब असाइनमेंट होगा तब। तो सबसे पहले तो राइट साइड सॉल्व होती है, उसमें पहले पी इंटू आर होगा, फिर पी इंटू आर इंटू टी होगा, फिर लास्ट में डिवाइड होगा। और आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए कि अगर आप सी के जो ऑपरेटर्स का सीक्वेंस है, अगर वो बोर्ड मास जो मैथमेटिक्स में हम कहते हैं कि पहले ब्रैकेट होता है, फिर आपका डिवीज़न होता है, मल्टीप्लाई होता है, वो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो सारी चीज़ें सी में नहीं लगती है। अभी मैं आपको लेफ्ट टू राइट जैसे बता रहा हूँ, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्सप्रेशन हो बीच में से, कोई ऑपरेशन आपका इवेल्युएट हो बाद में कोई हो, तो कहीं पे भी डिपेंड करता है उसकी ऑपरेटर की प्रिसिडेंस और दूसरा उसकी एसोसिएटिविटी पर कि कौन सा जो है वो टास्क कब परफॉर्म होगा। तो वो हम अलग से एक लेक्चर में देखेंगे कि प्रिसिडेंस और एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, अभी हाल फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जो मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है दोनों की प्रिसिडेंस बराबर होती है, और बराबर होने के कारण जो भी पहले आता है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट टू राइट जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो पी इंटू आर होगा पहले, फिर आर इंटू टी होगा, फिर डिवाइड बाय 100। अल्टीमेटली ये इंटीजर है इंटीजर है, तो ये पी इंटू आर जो आएगा ये इंटीजर आएगा, फिर आर जो है ये भी इंटीजर है, सॉरी टी जो है वो भी इंटीजर है, और पी इंटू आर का रिजल्ट भी इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर में आएगा।
फिर आप 100 को लेके चलेंगे कि 100 से डिवाइड कर दिया तो 100 भी क्या है आपका इंटीजर है, तो ये भी रिजल्ट इंटीजर में आएगा क्योंकि दोनों साइड से इंटीजर आ रहा है, यहाँ पे भी ये इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो ओवरऑल रिजल्ट इंटीजर आएगा, यानी पॉइंट्स में वैल्यू आएगी ही नहीं। तो आप क्या करें, आप ये कर सकते हैं जो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो आपका सबसे सिंपल तरीका है कि इन जो इनपुट्स हैं उनको या तो आप क्या कर लें, फ्लोट डिक्लेयर कर लें ताकि पॉइंटों की कैलकुलेशन उनमें हो सके, और या मिक्स मोड अर्थमेटिक का यूज़ कर ले। कैसे, ये जो SI का फॉर्मूला है इसको आप P×R×T डिवाइड बाय 100.0 ये भी तो लिख सकते हैं, और जैसे आप ये लिखेंगे वैसे ही आपका ये प्रोग्राम सही वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि आपका PRT मल्टीप्लाई तो हो जाएगा और वो आपके इंटीजर में आ जाएगा, और लेकिन जो डिवाइड में है वो क्या है, तो इसका पूरे का रिजल्ट जो आएगा वो इंटीजर में है, और फिर आपका जो है ये आपका रियल में है, और दोनों का रिजल्ट प्रोसेस हो किस में आएगा, रियल में, और फिर आपका यहाँ पे ये वैल्यू SI में जो है वो आ जाएगी, और ये सही तरीके से आएगी क्योंकि आपका जो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आ रहा है राइट साइड में वो रियल वैल्यू में आएगा, और वो आपके पॉइंट के बाद जो 6 डिजिट या जो भी डिजिट जो है बाय डिफॉल्ट लेता है वो आपकी उसमें ले लेगा, और आपका SI कैलकुलेट हो जाएगा प्रॉपरली, और किसी तरह का रिजल्ट में कोई ट्रंकेशन नहीं होगा। यही बात हम जो है वो आपके परसेंटेज में भी लगा सकते हैं। परसेंटेज में कैसे लगा सकते हैं कि परसेंटेज जो है टोटल, ठीक है टोटल तो वैसे निकलेगा आपका M1 M2 M3 को ऐड करके, तो लेकिन जो आपका परसेंटेज है वो तो आपने M1 M2 M3 और ये टोटल, ये आपने इंटीजर डिक्लेयर किए, ठीक है। अब आप क्या निकाल रहे हैं, टोटल इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3, और ये आपका जो है वो मैं इसमें फ्लोट लिया था मैंने परसेंटेज, तो टोटल निकल जाएगा आपका, लेकिन ये M1 M2 M3 तीनों इंटीजर हैं, तो इंट इंट से आपका क्या आएगा, इंटीजर। फिर ये तीसरा भी जो है ये भी आपका जो है वो क्या है, इंटीजर है, तो ये भी जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी आपका इंटीजर में ही आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू टोटल जो आएगी वो इंटीजर में आ जाएगी। वो एग्जांपल जैसे अगर मैंने 50 60 50 दिया तो टोटल इक्वल टू हो जाएगा आपका 160। अब आप परसेंटेज का जो लिखते हैं वो पहले ये लिख रहे थे कि टोटल डिवाइड बाय 3। अब चूंकि ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है तो रिजल्ट तो इंटीजर में आएगा, और वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो इसमें से हम किसी एक को रियल बना सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पे टोटल भले ही परसेंटेज में आ रहा है तो टोटल परसेंटेज में रहने दीजिए, 3 को आप लिख दीजिए 3.0। तो जैसे 3.0 लिखेंगे तो ये आपका इंटीजर है ये आपका रियल है, तो रिजल्ट आपका जो आएगा वो रियल में ही आएगा, यानी कि इस बार जो है वो 160 डिवाइड बाय 3.0 ये वैल्यू आएगी 53.33333 इस तरीके से, और फिर ये वैल्यू असाइन होगी आपके परसेंटेज में। तो इस तरीके से हमको जो है वो ये ध्यान रखना है कि जो किसी ऑपरेटर में कहीं पे भी एक्सप्रेशन में अगर दो ऑपरेंड जो है वो आपके ऑपरेटर द्वारा प्रोसेस किए जा रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा, और उसमें कई सारे और भी इशू होंगे। जैसे कि अभी तो आपने ये देखा, अगर मान लीजिए इंटीजर इंटीजर ये ऑपरेंड हैं और उनमें मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो हो सकता है मल्टीप्लाई होने के बाद वो इंटीजर के रेंज से ही बाहर चला जाए, तो इसका ख्याल भी आपको रखना है। ठीक है, फिर उसके अलावा जो है वो अगर मान लीजिए कि अगर एक इंटीजर है, दूसरा जो है वो आपका आपका दूसरा भी इंटीजर है, तो इंटीजर में आएगा, लेकिन मान लीजिए दोनों वेरिएबल हैं। अब दोनों वेरिएबल हैं तो आप जैसे यहाँ पे 3.0 लिख दिया, 100.0 लिख दिया, तो कॉन्स्टेंट के मामले में तो रियल बनाना आसान है कि आप 0.0 लिख दीजिए, वो रियल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों ही वेरिएबल हैं, ठीक है, से ये आपका इंटीजर एक्स वाई और मेरे को इनका डिवाइड चाहिए फ्लोट जेड, और जेड इक्वल टू एक्स अपॉन वाई मुझे करना है मान लो, तो आपका ये दिक्कत हो जाएगी कि इस तरीके से तो नहीं कर सकते आप, एक्स पॉइंट जीरो या वाई पॉइंट जीरो नहीं लिख पाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्योंकि एक खास तरह का कंसेप्ट काम आता है, दैट इज टाइप कन्वर्जन। और जो टाइप कन्वर्जन है वो हम डिटेल में, उसमें भी इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कई सारे इश्यूज हैं, उसके लिए हम सेपरेट क्लास रखेंगे क्योंकि वो अपने आप में जो है बड़ा टॉपिक है। तो अभी के लिए ध्यान रखिए कि आपको अर्थमेटिक का ख्याल रखना है, और अर्थमेटिक में आपको जो है किसी रियल कॉन्स्टेंट वैल्यू को अगर आपको रियल बनाना है तो उसमें पॉइंट लगा के जीरो आप क्या कर सकते हैं, पीछे लिख सकते हैं, उससे वैल्यू रियल हो जाएगी, और फिर जिसके साथ भी वो ऑपरेट हो रही है उससे रिजल्ट किस में आ जाएगा, आपका रियल में आ जाएगा। तो ये है, तो अगर मैं इसको समराइज करूँ तो बस मेरा कहने का इतना ही मतलब था कि अगर मान लीजिए आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, या यूँ समझ लीजिए कि ये है आपका से एक 9/2, तो 9/2 की वैल्यू सी के अंदर होती है 4, 4.5 नहीं होती है, 9/2.0 अगर रखेंगे तो होगी 4.5, 9.0/2 रखेंगे तो भी 4.5, और 9.0/2.0 ये भी 4.5। अब क्या है, दैट इज यहां पे लग रही है इंटीजर अर्थमेटिक, इंटीजर अर्थमेटिक। यहां दो केस जो है, ये है मिक्स मोड अर्थमेटिक। मिक्स मोड क्यों है, क्योंकि आपका यहां पे एक इंटीजर है और एक रियल है, और ये तीसरा केस जो है वो आपका रियल अर्थमेटिक का है। तो इस तरीके से ये आपका वर्कआउट होता है। वो ठीक है कि बाद में आप इसमें जो असाइन करेंगे, ये जो रिजल्ट है वो इंटीजर वेरिएबल में करेंगे तो उस तरीके से आएगा, फ्लोट वेरिएबल में करेंगे तो उस तरीके से आएगा। कि मान लीजिए आपने एक लिया इंटीजर वेरिएबल एक्स और एक फ्लोट वेरिएबल लिया आपने वाई, और यही चारों केस आप एक्स में डालो, 9/2 एक्स इक्वल टू 9/2.0, एक्स इक्वल टू 9.0/2 और एक्स इक्वल टू 9.0/2.0, और इसी तरीके से आप वाई में अगर साइन करोगे तो यहाँ पे वाई इक्वल टू 9/2, वाई इक्वल टू 9/2.0, वाई इक्वल टू 9.0/2 और वाई इक्वल टू 9.0/2.0। तो ये वर्कआउट होगा इंटीजर अर्थमेटिक, क्या आएगा 4 और एक्स में 4 ही जाएगा। यहाँ पे जो है वो आएगा 4.5 क्योंकि मिक्स मोड अर्थमेटिक है, लेकिन चूंकि एक्स जो है वो आपका इंटीजर टाइप का है तो एक्स में तो 4 ही आएगा। यहाँ पे भी ऑपरेट होके 4.5 आएगा, लेकिन चूंकि एक्स इंटीजर है तो इसमें 4 ही आएगा। यहाँ भी प्रोसेस होके 4.5 आएगा, लेकिन चूंकि एक्स इंटीजर है तो इसमें 4 ही आएगा। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो 4 ही रहेगी। यहाँ पे बात करें तो रिजल्ट क्या आएगा 4, लेकिन जब इसमें आप डालोगे तो ये हो जाएगा 4.500000, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो जनरेट होगा, सॉरी ऊपर वाले में चूंकि इंटीजर अर्थमेटिक है तो 4.5 नहीं आएगा, 4 आएगा। तो 4 के केस में आपका जो है वो ये 4.5
जीरो 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 और जीरो डालेगा। यहाँ पे जो है वो दोनों तीनों केस की बात करें तो इन तीनों ही केस में, क्योंकि मिक्स मोड में भी रियल वैल्यू आती है, रियल में भी रियल है, तो इसमें तीनों में 4.5 आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो वैल्यू जाएगी इस सिचुएशन में वाई के अंदर, तो वो तीनों ही केस में जाएगी 4.500000। तो ये है आपके सी के अंदर अर्थमेटिक कि किस तरीके से दो ऑपरेटर जो है डिफरेंट टाइप के होने पे या सेम टाइप के होने पे किस तरीके से जो आउटपुट है ऑपरेटर का वो जनरेट होता है, या सी का कंपाइलर उसको एक तरीके से फोर्स करता है कि इस तरह का रिजल्ट जनरेट किया जाएगा। तो आज की क्लास में हमने सी में अर्थमेटिक के बारे में जाना, आगे क्लासेस में हम टाइप कन्वर्जन, उसके बाद आपका ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।